हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र MHCET एग्जाम के बारे में। जी हाँ गाइस, महाराष्ट्र MHCET 2022 का जो एग्जाम है गाइस, किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, इसका मेन एम मेन पर्पस क्या है, इसके ऑर्गेनाइजिंग कंडक्टिंग बॉडी कौन है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, काउंसिलिंग मेथड, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र MHCET के बारे में और डिटेल में जानना। सबसे पहले यहाँ पे मैं महाराष्ट्र MHCET का फुल फॉर्म बता दूं, तो महाराष्ट्र मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, कंडक्ट करवाया जाता है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट के थ्रू। अब कैसे ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आप लोगों को मास्टर्स इन एजुकेशन में कैसे आप लोगों को यहाँ पे जो एडमिशन मिल सकता है। अगर आप गाइस महाराष्ट्र में किसी भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड, एडेड, अनएडेड यूनिवर्सिटी में अगर आपको मास्टर्स प्रोग्राम के रिलेटेड गाइस एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए महाराष्ट्र MHCET गाइस आप लोगों को क्लियर करके क्रैक करना होगा, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बात कीजिए एग्जाम, तो एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फी जो है, सारे के सारे प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होते हैं। किस तरह से करना है, सारे के सारे प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को जो यहाँ पे महाराष्ट्र MHCET 2022 के इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, यानी कि इसका नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है। तो गाइस इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले आप लोगों का मार्च में इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है, उसी के साथ एडमिट कार्ड की बात करें तो अक्टूबर में इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होता है, और गाइस नवंबर के स्टार्टिंग में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे सारे हमने जो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिए, अब जो सबसे पहले टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह है आप लोगों का महाराष्ट्र MHCET 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म। अब गाइस इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब अगर आप कोई भी मिस्टेक करते, कोई भी गलती करते, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी के साथ गाइस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत ज्यादा टफ नहीं, सिंपल नॉर्मल सा प्रोसेस है। आपको गाइस आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पेरेंट्स डिटेल्स, देन डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने, एप्लीकेशन फी पे करने, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स में भी गलती करते और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र MHCET का गाइस जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, तुरंत उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, वीडियो में लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बताएंगे, इवन आप लोगों को एप्लीकेशन फी भी पे करके बताई जाएगी। सो गाइस आप लोगों को उस वीडियो के थ्रू आसानी से सेम एज इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना, और आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली फिल हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। तो गाइस ध्यान से जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे अगर एप्लीकेशन फीस की, तो गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फी आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप जनरल कास्ट, ओपन कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है, और वही बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं गाइस महाराष्ट्र स्टेट के, तो गाइस 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी यहाँ पे रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन रहने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। उसी के साथ गाइस आप लोगों के यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफाई एग्जाम में 50% मार्क्स आए हुए रहनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स आपके मिनिमम चाहिए। यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट सेट नहीं की, आपकी कोई भी एज है गाइस यहाँ पे आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आप लोग ऑनलाइन मोड में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, आप लोगों को आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम देना होगा। तो जो ड्यूरेशन है गाइस यहाँ पे आपको 90 मिनट यानी कि 1 hour 30 minutes प्रोवाइड कराया जाएगा, 1 hour 30 minutes में कंप्लीट एग्जाम आप लोगों को पूरा करना होगा। सेक्शन टोटल 5 सेक्शन में यहाँ पे आप लोगों का पेपर डिवाइड किया हुआ है गाइस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, हर एक सही आंसर देने पर आपको 1 मार्क्स जो है अलॉट किया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि आप गलत आंसर भी देते हो गाइस आप लोगों का मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब मीडियम ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश एंड मराठी सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस में गाइस आपका पेपर आएगा, पेपर जो टाइप रहेगा क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्ट यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। अब गाइस यहाँ पे बात की जाए आप लोगों की एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो गाइस आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप कहाँ पे अपना एग्जाम देना चाहते हो, तो सिंपली आप लोगों को उस वक्त अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बता दिए कि जो वीडियो स्पेशली एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बनाया गया रहेगा, और वो हम आपको नोटिफाई भी कर देंगे।
अब कैसे यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस की, तो क्योंकि जो सिलेबस है आप लोगों का महाराष्ट्र MHCET का वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो वीडियो में कंप्लीट सिलेबस डिस्कस नहीं हो सकता था, इसीलिए आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, सिंपली उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते कैसे आप लोगों के सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, उस वेब पेज में आपको कंप्लीट डिटेल सिलेबस जो है महाराष्ट्र MHCET की देखने मिल जाएगा। अब कैसे नेक्स्ट बात करेंगे एडमिट का, तो एडमिट का जो है आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट आप लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, इनफैक्ट एडमिट कार्ड के बिना कैसे आप लोगों को जो एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। एडमिट कार्ड में काफी बेसिक सी डिटेल्स रहती है, लाइक आपका जो फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपके एग्जाम सेंटर का वेन्यू हो गया, सब्जेक्ट्स की डिटेल्स रहती है, यही सारी कॉमन डिटेल्स आपकी उसमें प्रेजेंट कराई भी रहती है। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड कब डिली मीन्स कब अवेलेबल हुआ डाउनलोडिंग के लिए और कब उसकी जो डेट एंड हो चुकी है, तो इस वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि इनके जैसे एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा डाउनलोडिंग के लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे ऑफिशियल लिंक जिसके थ्रू आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे महाराष्ट्र MHCET का कोई भी छोटे से छोटा अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे। एंड गाइस आई विश कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। इनके सुर भी कोई डाउट है और कोई भी डिटेल जाननी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहाँ पे आप हमें बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।